हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले करीब 15-20 दिनों में ठंडक अपने चरम सीमा पर पहुँच गई है। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है इस समय यूपी में। लखनऊ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो रही है और हर कोई इस ठंडक से परेशान हो चुका है और लोग चाह रहे हैं कि कब जो है गर्मी का मौसम आए। और इस सर्दी में सबसे ज़्यादा अगर जो किसी को तकलीफ होती है तो वो हैं बच्चे, क्योंकि तो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होने पर बच्चों का जो है, छोटे बच्चे जो बहुत ही नवजात शिशु हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीने के हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो बोल नहीं पाते, अपनी दिक्कत को बता नहीं पाते, इसलिए इनका इलाज करना बहुत ही टफ वर्क है। और जो है इनके इलाज में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत के बाद में ही रिजल्ट आता है। ऐसे में बेचारे माँ बाप क्या करें, जो है जब तक बच्चा हंस रहा है तब तक वो खुशहाल रहते हैं, लेकिन बच्चे का जैसे ही स्वास्थ्य प्रभावित होता है माँ बाप एकदम परेशान हो जाते हैं। और इनमें कुछ खास बीमारियाँ देखने को मिलती हैं मित्रों, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ड्यू टू कोल्ड। सर्दी के वजह से ही ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती हैं बच्चों में। तो आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे बचाएं अपने बच्चों को सर्दियों से। सर्दी के मौसम में अपने बच्चों को हम लोग कैसे रखें, किस तरीके से क्या करें कि बच्चे हमारे सर्दी से बचे रहें और वह खेलते रहें, कूदते रहें, हंसते रहें, उन्हें कोई बीमारी ना होने पाए। तो आइए मित्रों, आज इसी पे जो है एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन दवाइयों से बहुत सारा आराम मिलेगा और आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते ही आपको मिलेंगे। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जो भी मेडिसिन है ये किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। यह आपके लिए एक परामर्श मात्र है तो है वीडियो, और दवा का सिलेक्शन स्वयं के विवेकानुसार ना करें। आइए शुरू करते हैं। सर्दी आने पे सबसे पहली दिक्कत होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है और बृहद रूप ले लेती है अगर जो सही से कंट्रोल ना किया जाए, तो वह है मित्रों बच्चों का सर्दी जुखाम खांसी बुखार। इनमें से कोई एक भी समस्या अगर जो बच्चों को है और आपने ध्यान नहीं दिया तो सर्दी अगर जो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत, जुखाम बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत, खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी दिक्कत। अब अगर जो आपको देखने को मिलता है कि बच्चा जो है उसका मुँह बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा मुँह सूखा हुआ है, और ऐसे बच्चों के लिए जी हाँ दोस्तों आर्सेनिक दोपहर में जो है लोअर पोटेंसी में 2 बूंद का प्रयोग करें थोड़े से पानी के साथ में, और सुबह के समय में जी हाँ दोस्तों सुबह के समय में ब्राइनिया का प्रयोग करें। जी हाँ, ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो बच्चे का नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है, एकदम बिल्कुल नोज रनिंग हो रही है, कटर हो गया है और उसकी जुखाम रुकने का नाम नहीं ले रही, वाटरी रनिंग नोज हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जी हाँ दोस्तों एलियम सीपा, जी हाँ एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपका बच्चा सुबह ठीक था और उसको आप बाइक से लेकर के गए हैं और लेके जाने के बाद में हवा लगने के बाद में बच्चे को जो है सर्दी जुखाम हो गया है, खांसी आने लगी है, तो ऐसे बच्चों के लिए हीपर सल्फ, जी हाँ दोस्तों हीपर सल्फ इज द बेस्ट मेडिसिन। आपका बच्चा बड़ा है और आपको बताता है कि उसके गले में ऐसे ऐसे बच्चे इशारा करके बताते हैं, बोलने वाले हैं तो बोलेंगे, नहीं तो जो छोटे बच्चे इशारा करते हैं कि गले में या नाक में बताते हैं कुछ फंसा हुआ है, तो ऐसे बच्चों के लिए जी हाँ दोस्तों अगर जो बलगम नहीं निकलता है, सूखी खांसी आ रही, बार बार पूरी पूरी रात उनको खांसना पड़ रहा है, बच्चा आपका दुबला पतला सा देखने में है, बहुत ही सुस्त रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आप इसका जो है प्रयोग रजिस्टर्ड डॉक्टर के अनुसार करें, एकदम से बिल्कुल आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों र्यूमैक्स, अगर जो र्यूमैक्स का प्रयोग करते हैं तो इन तरीके के सर्दी जुखाम बुखार खांसी में बहुत ही आरामदायक है।
दूसरा जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में, डायरिया। जी हाँ दोस्तों, अगर जो वाटरी डायरिया हो रहा है, एकदम बिल्कुल पतला पतला पानी निकल रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, इरिटेबल टेम्परामेंट का है और उसको ठंडक भी लगी हुई है, साथ में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे के पेट से छोटे छोटे एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स भी गिरते रहते हैं, या महीन महीन जो है कीड़े गिर रहे हो, बच्चा ग्राइंडिंग टीथ करता है, दांत सोने के बाद में बहुत ज़्यादा कटकटाता है, स्क्रीमिंग, इनवायलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है, बच्चा जो है बोलता है सुबह उठ के कि मुझे बाथरूम लगी हुई थी, मैं नाली में बाथरूम कर रहा था या टॉयलेट में बाथरूम कर रहा था, उसको जो है बाथरूम हो जाता है। यह बच्चा बहुत छोटा है और दांत कटकटाते रहते हैं, उसके उसके पेट में कीड़े अगर जो पड़ गए हैं, तो ऐसे बच्चों के डायरिया में सबसे बढ़िया काम करता है सीना। जी हाँ दोस्तों, सीना। सीना के बच्चों की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उनको मीठा पसंद होता है, उनके दांत कटकटाते रहते हैं, बोरिंग टीथ रहता है। इसके अलावा बच्चे जो है एल्बो पे साइड में सोना पसंद करते हैं, पेट के बल सोना पसंद करेंगे, पीछे से हिप को थोड़ा सा उठा लेते हैं सोते समय, बिल्कुल इस तरीके से। इसके अलावा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, जिन चीज़ों को ऑर्डर करेगा उन्हीं चीज़ों को फेंक देगा। सीना के बच्चों की खास बात ये होती है कि उनका जो है वन चीक रेड होगा, अनदर चीक पेल होगा, ये भी देखने को मिलेगा, एक जो है लाल लाल दिखेगा और दूसरा पीला पीला दिखेगा। तो मित्रों, ऐसे बच्चे जो है किसी भी तरीके से मानते नहीं, उनको गोदी में लिए रहेंगे तब भी वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान करेंगे। अगर जो ऐसे बच्चों के डायरिया होती है, लैट्रिन की समस्या अगर जो बढ़ जा रही है, पतला पतला पानी जैसा हरा हरा लैट्रिन भी हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए सीना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो बच्चा आपका गोदी में लेने के बाद में, टाफी उफी देने के बाद में मान जाता है और देखने को मिलता है कि जो लाल गाल था, जो वन चीक रेड था, वो हार्ट है, और जो पीला वाला गाल था वो छूने पे कोल्ड लग रहा है, और ऐसे बच्चों को अगर जो कोई दिक्कत हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों, कैमोमिला इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। अब अगर जो आपका बच्चा उल्टी करते करते डायरिया होते होते लार पुआर हो गया है, ऐसे अंगूठे को ऐसे दबाए रहता है, इस तरीके से मुट्ठी बांध लिया है, चेहरा पीला पड़ गया है, अगर जो काजेशन मिल रहा है ड्यू टू हार्ट समर वेदर डेंटिशन, जी हाँ दोस्तों, दांत निकल रहा है बच्चे का, अगर जो बच्चे का दांत अगर ठंडिक में निकलना शुरू हो गया, या बच्चे को उल्टी जो हो रही है वह कर्ड लाइक चीज लाइक ऐसे गाढ़ा गाढ़ा जो है थक्का थक्का दूध अगर जो बच्चा पलट दे रहा है, बहुत ज़्यादा दूध डाल रहा है और बच्चे का दूध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे बच्चे अगर जो वह कर्ड लाइक चीज लाइक हर्पेटिक इरप्शन देखने को मिल रहा है, लीनिया नेजेलिस देखने को मिल रहा है, बच्चा एकदम सुस्त हो गया, एकदम लार पुआर हो गया, कैन नॉट मूव हिज हेड टर्न साइड टू साइड, अपना गर्दन भी नहीं हिला पाता, बच्चा इतना ज़्यादा सुस्त हो गया उल्टी के वजह से, और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सब कुछ आपने करके देख लिया है, तो बच्चे का अगर जो दांत निकल रहा है या अदर काजेशन के वजह से अगर जो चीज़ लाइक कर्ड लाइक जो है उल्टी हो रही, थक्का जैसा उल्टी हो रहा है, गाढ़ा गाढ़ा, तो ऐसे बच्चों को एथूजा साइनेपियम, जी हाँ दोस्तों, एथूजा साइनेपियम इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो बच्चे को उल्टी बहुत हो रही है, जी हाँ दोस्तों, उल्टी हो गई है और जो है काजेशन देखने को मिल रहा है कि उल्टी के साथ साथ में बच्चे को निमोनिया भी है, जी हाँ दोस्तों, उल्टी भी है, निमोनिया भी है, खांसी भी है, कफ भी है, चेहरे में लालीपन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर जो वह बेंडिंग डबल तरीके से बैठते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए इपिकैक इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी दवा है इपिकैक, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, समस्त समस्याओं का समाधान होगा। अब आइए एक बात बताते हैं आपको कि अगर जो कोई स्किन डिजीज हो गया है और वह सप्रेस हो जाता है, या खांसते खांसते स्किन जो है लाल लाल हो जाता है, आर्टिकेरिया पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में र्यूमेक्स बहुत अच्छा काम करता है, आप र्यूमेक्स का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रिस्पांस आने वाला है। खासकर मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन बताऊं कि मेरे यहाँ जब इस तरीके का कोई बच्चा आता है, तो सबसे पहले उसका ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर केस करने के बाद में, मैं ऐसे बच्चों को सबसे पहले 1 डोज आर्सेनिक 2 आर्सेनिक 30 में देना पसंद करता हूँ। उसके बाद में बच्चे को साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे
उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्स आता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब आइए मित्रों बात करते हैं कि वाई दे सफरिंग फ्रॉम इलनेस, क्यों वो बीमार पड़ते हैं, क्यों उनको बीमारी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो हैं, वो प्रिंसिपल लेस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह सिद्धांत से हट जाते हैं। सिद्धांत क्या है कि एक ट्रेन पटरी पे ही चलेगी, अगर जो पटरी से इधर उधर आएगी तो क्या होगा, ट्रेन पलट सकती है। सिद्धांत यह है कि हम सवेरे जो है अलार्म लगाते हैं कि 6 बजे हमको जो है जागना है, घड़ी हमारे 6 बजे हमसे विनती करती, निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जाग जाओ। हम लोग क्या करते हैं, स्नूज करके आगे बढ़ जाते हैं। लिहाजा क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक थर्ड पार्टी चलना शुरू हो जाता है, क्लेमिंग एंड ब्लेमिंग। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण का भाव उत्पन्न होता है। दिमाग हमसे कहता है कि तूने तो सोया भी तो देर से था, रात में तू जो है 12 बजे सोया हुआ था। और एक बरसों पुरानी परंपरा और जो है उन्माद कह सकते हैं हमारे दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। तो हम अपने आप को समझा लेते हैं, थर्ड पैरेलल कमेटी जो है दिमाग में शुरू हो गई और वो बताती है कि जो है देर में सोए तो देर में उठे। रिस्पॉन्स क्या होता है, देखिए जब आप देर में उठे हैं तो बच्चे को दूध भी देर में मिलेगा। बच्चे का सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम मेंटेन करने का जो है माध्यम है माँ का जो है मिल्क, मदर मिल्क। अगर जो मदर मिल्क नहीं हो रहा है तो जो भी मिल्क आप प्रयोग कर रहे हैं तो वह बच्चे को समय से दे दें, आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा। अगर जो बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय पे मिलता रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा बोतल उसके मुँह में ठूसे रहेंगे कि बच्चा हमारा हॉलीवुड बेबी हो जाए। नहीं नहीं, बच्चे को जो अभी दूध देंगे, दूध जो है देने के बाद में कंधे पे लेके उसे थपकी जरूर दें, उसे तक उसको डकार आने दें ताकि उसका डाइजेशन शुरू हो सके। ऐसा नहीं है कि उसके मुंह में हमेशा, टाइम टू टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम जब आप सुबह जो है समय से जो है जागेंगे या जागेंगी तो बच्चे को पहला आहार समय पर मिल जाएगा। और अगर जो बच्चे को सुबह के समय पर सही समय पर जो है उसे दूध मिल जाए तो आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरा, सोते समय यह ध्यान दें कि मैक्सिमम बच्चे जो है बिस्तर को फेंक देते हैं और इसके वजह से आप माँ बाप जो है सो गए, अब बच्चा पूरी रात खुले में रह गया तो क्या हुआ, सुबह उठे तो जल्दी जल्दी बच्चे को ढाँक दिया, लड़ाई ना होने पाए, देखने ना पाए। तो ऐसे बच्चों में भी सर्दी होने के मोस्टली चांसेस बनते हैं, उन्हें जो है सर्दी जुखाम बुखार खांसी हो ही जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद मैंने देखा है लोग बच्चा पैदा होने से पहले दुआएं मांगते हैं कि एक बच्चा हो जाए, और बच्चा पैदा होने आने के बाद में लोग लड़ाई करते हैं कि जो है बच्चे का बॉटल धुलेगा कौन। धुल देना भी जो है एक बहुत बड़ी कला है। बच्चे का बॉटल जब भी आप धुलें तो पहले उसे गर्म पानी से जो है धुलें, उसके बाद में फिर उसके बच्चे का साबुन सर्फ जिससे भी आप धुलते हैं, जो भी बार है वो अलग होना चाहिए, धुलने का मटेरियल अलग होना चाहिए, उसमें धुलिए, फिर गर्म पानी से उसको धुलिए, फिर उसके बाद में बॉटल जो है निप्पल ढक्कन सारी चीज़ें जो है खोलते हुए पानी में कम से कम तब तक तो खोलना है जब तक कि वह खोल ना जाए सही से, उसमें जो है उबाल ना आने लगे। कुछ लोग जो है वो दूध को गर्म रखने का हॉट केस आता है उसमें जो है बच्चे का दूध रखते हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर उसमें दूध देने के वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें सही से ब्रूस पहुंच नहीं पाता है और आपके यहाँ जो भी काम धाम करने वाले हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं। काम करने वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है अगर उन्हें बच्चे का दूध का बॉटल दे दिया गया धुलने के लिए, मैंने महसूस किया है। तो आप जो है ध्यान रखें कि बच्चा आपका है, किसी काम वाली का नहीं है, और आपको अपने बच्चे के किसी भी आर्टिकल पे, किसी थर्ड पर्सन पे इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। फुली चेक करने के बाद में ही बच्चे को दूध दें, बढ़िया से वो बॉटल धुलें, पानी से धुलें, गर्म पानी से धुलें, उसके बाद में उसका प्रयोग करें। बच्चे के दूध पीने का जो नेपल है वह मैक्सिमम 20 दिन के बाद में चेंज हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 20 दिन के बाद में चेंज हो जाना चाहिए। और अगर जो आपके बच्चे को बार बार उल्टी दस्त होता रहता है तो 1 महीने के बाद में पूरा सेट ही चेंज कर दे, पूरा बॉटल सेट ही चेंज कर दे। इसके बाद में मित्रों, जो बच्चे को जो उल्टी दस्त बुखार सर्दी जुखाम होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है
कि दूध पिलाते समय या दूध के बॉटल के समय आप अपने हाथों का सैनिटाइजेशन जरूर ध्यान रखें। क्या आपके हाथ स्वच्छ हैं? जो आपने निपुल को ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे, बहुत लोग जो है निपुल को जो है देखते हैं कुछ गंदा है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे पिला देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसे ऐसे करने से निपुल साफ हो गया, जबकि मुझे लगता है ऐसे ऐसे करने से बेहतर तो पहले ही था। अब आपने ऐसे ऐसे कर दिया, आपके हाथ सैनिटाइज नहीं थे, ना जाने क्या छू के आए थे, क्या करके आए थे। ऐसे करके बच्चों को दूध ना दे, इससे बच्चों को डायरिया, डिसेंट्री, स्टमक पेन, इसके अलावा अन्य संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा जो है अब फैक्टर आता है हाइजीन। मित्रों, बच्चे का कपड़ा जो है मैक्सिमम मोस्टली जो है पर डे चेंज होना चाहिए। आप हर दिन बच्चे का कपड़ा धुले, उसका धुलने का साबुन अलग होना चाहिए। धुलने के बाद में कपड़ा जो है जब आप साबुन सर्फ से धुल लें, लास्ट टाइम में एक ढक्कन डेटॉल डाल करके उसको कपड़े को निकाल करके फिर धूप में रखें। और बच्चे के कपड़े रखने की जगह भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं और हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता मैक्सिमम होती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा उनमें कम होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर जो ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा अवश्य ही स्वस्थ निरोग होगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज ठीक ना हो। वह अपनी पूरी जी जान से कोशिश करता, अपनी पूरी ताकत लगाता है, और उसके साथ साथ में यह आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे का घरेलू रख रखाव ठीक रखें। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारे भारत देश में जितने भी, विश्व में जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वह खुशहाल रहें, मस्त रहें, उनके चेहरे पर खिलकारियाँ रहें। इन्हीं वाणी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार।